हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनमोहन तिवारी और आप सभी लोगों ने मुझे कई सीरियल्स में देखा है, भोजपुरी फिल्मों में देखा है और अभी वर्तमान में आप लोग मुझे गुड़िया हमारी सभी प्रभारी एन टीवी पर जो आता है उस सीरियल में देखते हैं, साथ ही साथ कुमकुम भाग्य में भी देखते हैं एक विलन का किरदार निभाते हुए जी टीवी पर। लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, सभी लोग अपने अपने घर में कैद हैं, मैं भी कैद हूँ। सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग टीवी में बिजी हैं, अपनी बीवी में बिजी हैं, खाने में बिजी हैं, नहाने में बिजी हैं, धोने में बिजी हैं। मुझे लगा मैं क्या करूं, फिर मुझे ख्याल आया कि एक समय था जब मैं बहुत कविताएं करता था, कविताएं पढ़ता था, कविताएं सुनता था, सुनाता था, इस विधा को मैं कहीं छोड़ ही आया था। तो मुझे ऐसा ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस विधा को वापस से जीवित करूं और आप लोगों के सामने कुछ कविताएं लेकर के आऊं जो मैंने लिखी है या जो औरों ने लिखी है, जो भी सुंदर सुंदर कविताएं, जो भी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूं और बांटूं आप लोगों से उसके अंदर की अच्छी शायरियां, उसके अंदर की अच्छी बातें, कुछ अच्छे विचार। तो मैं अपनी पहली कविता लेकर के इस YouTube चैनल के माध्यम से, जो मेरी एक अलग शुरुआत है, एक नई शुरुआत है, आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। एक कविता है, मैंने बहुत समय पहले लिखी थी, आपको सुनाता हूँ। ये सारी कविताएं मेरे योर कोट्स पर भी हैं, ये इंस्टा से रिलेटेड एक पोर्टल है। खैर सुनिए पहली कविता जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। हर इंसान जिंदगी में किसी न किसी चीज से परेशान है, खुश भी है, तो मैं उन दोनों के बीच की कश्मकश को आपके सामने रख रहा हूं। जिंदगी के फरेब से परेशान है, जिंदगी के फरेब से परेशान है, बिन बताए खुरापात पे उतर आती है और मुस्कुराहटों के सिलसिले वो भी अजीब हो चले हैं, ठहरने का नाम ही नहीं लेते। दोबारा से सुनिएगा। जिंदगी के फरेब से परेशान है, बिन बताए खुरापात पे उतर आती है और मुस्कुराहटों के सिलसिले भी अजीब हो चले हैं, ठहरने का नाम ही नहीं लेते। कोई इश्क से परेशान है, कोई मुश्क से परेशान, सब हैं जिंदगी की कश्मकश से, खुशियां भी अजीब हो चली हैं, ठहरने का नाम ही नहीं लेती। बचपन ही ठीक था, जैसे बचपन तो ठीक था ही, बचपन ही ठीक था, ढूंढ लिया करते थे खुदरे पैसे, कभी दिराखों पर तो कभी दरवाजों के ऊपर वाले रेख पर। अब ना वो दिराखे हैं न रेख, और बचपन बचपन तो अब भी बचपन है, क्या कहें। एटीएम मशीनों में खुदरे पैसों का जमाना पिस गया। दोस्तों ये है मेरी पहली कविता जो मैंने आप लोगों के सामने रखी, और भी कविताएं लेकर मैं आप लोगों के सामने आता रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी कविता आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अपने कमेंट्स यहां पर इसके नीचे डालिए और बताइए कि मेरी कविता ने आपको छुआ या नहीं छुआ, आपके बचपन को वापस से आप लोगों से मिलवाया या नहीं मिलवाया। नमस्कार।